रामनगरी अयोध्या में बारिश के चलते जलभराव की समस्या जस की तस बनी हुई है। मानसून की तीसरी बारिश में दो घंटे में कई मोहल्ले जलमग्न हो गए। अयोध्या के सरकारी श्रीराम अस्पताल में उफान के बाद नाले का पानी इमरजेंसी वार्ड और एक्सरे रूम तक पहुंच गया। इस कारण चिकित्सा सेवाएं प्रभावित हो गई हैं। साथ ही सड़कों पर भी जलभराव देखने को मिला। वहीं सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने अयोध्या में रामपथ और श्रीराम चिकित्सालय का निरीक्षण किया और भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। फैजाबाद लोकसभा सीट से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने अयोध्या में रामपथ और श्रीराम चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस दौरान रामपथ को देखने पहुंचे सांसद अवधेश प्रसाद ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। अवधेश प्रसाद ने कहा कि रामपथ पर गड्ढे क्यों हुए, इसकी जांच की जानी चाहिए। भाजपा ने पूरे देश में अयोध्या के विकास की बात कही थी, लेकिन उसकी सच्चाई सामने आ रही है। और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। देखिए, ऐसा है, ये इस समय लोकसभा का सत्र चल रहा है और शुरुआती दौर से जब बारिश हुई है तभी से मुझे सूचना मिल रही थी विभिन्न स्रोतों से, मीडिया के द्वारा, तो यहां के तमाम हमारे लोग गए भी, तो उन्होंने बताया कि अयोध्या जहां से आप उनके आए हैं बड़ी हालत खराब है, यहां तक कि राम मंदिर का जो रोड है वो धंस गई है, जगह जगह लोगों के घरों में पानी भर गया है, अस्पताल में पानी भर गया है, लोगों के सामने दुश्वारियां पैदा हो गई हैं। यहां तक बताया कि ये जो अयोध्या रेलवे स्टेशन से जो भी यात्री आते हैं दूर दराज से, देश से, दुनिया से, जहां भी आते हैं और प्रभु श्री राम का दर्शन करने जाते हैं, तो रास्ते में तकरीबन 500 मीटर ऐसा स्थान है जहां पर गंदगी, और गंदगी का क्या क्राइटेरिया बताया जाए, किस तरह की गंदगी, गंदगी में कूड़ा है, कचरा है, पेशाब है, टट्टी है, मलमूत्र है, और जो भी गंदगी जितनी होती है गंदगी से भरा हुआ है। और कोई भी जाएगा, कोई भी आएगा, कितना बड़ा से बड़ा आदमी जाएगा, अगर पैदल जाएगा तो उसको गंदगी से घुसकर जाना पड़ेगा। और फिर आगे बढ़ते हैं, ये पुरवा है, जलवान पुरवा के लिए कितना बड़ा परेशानी पैदा है, बताते हैं गाय खड़ी है तीन चार दिन से गाय खड़ी है, वो निकाली नहीं गई। अब गाय हमारी माता है, अब तीन से इनको ना पानी मिला है, ना बैठने मिला है, ना अवतार मिला है, ये तमाम चीजें। उसके बाद फिर अस्पताल में आते हैं, देखते हैं जो ये अस्पताल है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 6 महीना पहले इसका उद्घाटन किया था। और ये दीवालगिरी है जो बाएं हाथ है, देखो ये हमारे इस अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का महत्वपूर्ण पार्ट है, ये बाउंड्री जो है, दीवाल है, महत्वपूर्ण पार्ट है। तो बताते हैं जिस दिन पानी बरसा, प्रथम बरसात में ढह गया, हालांकि छिपाने का काम किया गया, कुछ कि पर्दा लगाया गया है, टीना लगाया गया है, लेकिन अभी भी ये दरवाजा खुला आकर देख सकते हैं किस तरह से पूरी दीवार ढह गई है। प्रभु की कृपा रही, इसमें कोई दबा नहीं, ये भगवान की, प्रभु श्री राम की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है कि कोई दबा नहीं, नहीं तो इतनी बड़ी 150-200 मीटर की और 8 फीट ऊंची दवाल गिर जाए तो इसमें कुछ भी हो सकता था, खैर नहीं हुआ, ये प्रभु की कृपा है। तो ये सारी बातें ये किस बात का संकेत देती, जबकि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में घूम घूम कर अयोध्या की बात, विकास की बात, निर्माण की बात सब कहती है, लेकिन उसका कितना विकास हुआ, कितना काम जमीन पे हुआ है, ये उसकी सारी कलई खुल रही है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति आएगा, देश का कोई भी व्यक्ति आएगा, तो ये सारी बातें अपने आप इस बात का सबूत के रूप में बोल रही हैं कि यहां पर लोगों को ठगा गया है, भ्रष्टाचार किया गया है, राम के नाम को बदनाम किया गया है, ये दिखाई पड़ेगा। तो ये सारे मामले हैं और गंभीर मामले हैं, तो इसको गंभीरतापूर्वक लेने की जरूरत है। तो इसको हमने
गंभीरता पर लिया है। यहाँ की महान जनता ने, यहाँ के देवतुल्य मतदाताओं ने हम पर बड़ा यकीन और भरोसा किया है, तो मैं तो संकल्प लिया हूँ कि मैं इनके विश्वास पर खरा उतरूंगा, उनके उम्मीदों पर मैं खरा उतरूंगा, उनकी तराजू पर मैं खरा उतरूंगा, तभी मैं अपनी जीत मानूंगा। तो जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर थोपी गई है, ईमानदारी से मैं कह रहा हूँ, प्रभु श्री राम की धरती पर कह रहा हूँ, उस जिम्मेदारी का निर्वहन करूंगा और जनता को परेशानियों से, दुश्वारियों से, संकटों से छुटकारा दिलाने के लिए कोई ऐसा कदम नहीं होगा जिसको न हटा करें। हम पूरी उससे लोगों को परेशानियों से छुटकारा दें। लोगों को सस्पेंड किया गया इंजीनियरों को। अरे भाई, ये छोटी बात नहीं है, ये राम पथ है, राम पथ की सड़क की समीक्षा हर महीने होती थी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी आते थे, और ये 6 लोगों को सस्पेंड कर देना, इसमें तो जब ये मैटर ऑफ इंक्वायरी है तो कौन कौन लोग दोषी होंगे ये हमें अभी कहना सवेरा है, ये तो जांच में आएगा कि कौन कौन लोग दोषी होंगे। हम न्याय चाहते हैं, हम न्याय चाहते हैं, प्रभु श्री राम की जो मर्यादा है, मर्यादा को चाहते हैं कायम हो। क्या यही मर्यादा हो दवाल गिर जाए? क्या यही मर्यादा है लोग चांटा से और टट्टी और पेशाब के रास्ते से जाए? क्या यही रास्ता है लोगों का निकलना दूभर हो जाए? क्या यही रास्ता है कि लोग जो अस्पताल में दवा करने के लिए आवे तो कीचड़ भरा है, मच्छर भरा है? ये सब मर्यादाएं हैं, ये सारा हम इसको टैकल करेंगे, सॉल्व करने का हर ढंग से प्रयास करूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहेंगे पब्लिक खबर के साथ।